स्वागत है मित्रों, यूएफओ किचन में आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न सैलड। तो स्वीट कॉर्न सैलड के लिए हमने क्या किया है, ये मेरे पास फ्रोज़न कॉर्न थी वो मैंने ले ली है। तो इसको हमने 2 कटोरी फ्रोज़न कॉर्न लिया है और उसके अगेंस्ट में ये हमने आधा कटोरी ग्रीन पीस लिए, ये भी मेरे पास फ्रोज़न थी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ये 2 कटोरी को इसके अंदर डाल देते हैं डब्बे के अंदर जो कॉर्न लिया हमने, उसके साथ में ये आधा कटोरी जो ग्रीन पीस है वो मिला हुआ है उसको डाल देते हैं मिला के। अच्छा, इसके साथ में हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ग्रीन ओनियंस हैं और साथ में मेरे पास एक कैबेज है, पत्ता गोभी थोड़ी सी, और ये धनिया है मेरे पास कोरिएंडर, और ये लाल शिमला मिर्च है रेड कैप्सिकम, और ये ऑरेंज शिमला मिर्च है। ये सब ऑप्शनल है, इसको आप अगर ग्रीन है आपके तो आप ग्रीन मिला लें, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन कलरफुल होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसको मैं इसके अंदर मिक्स करता हूँ। अच्छा, इसको मिक्स कर लेने के बाद में इन सारी चीज़ों को इसके अंदर हम ये आधा ये नींबू का रस इसके अंदर हम डालते हैं, और हमेशा आप नींबू का रस पहले डालें और ऑलिव ऑयल इसमें हम मिलाएंगे वो सबसे आखिरी में मिलाएंगे। अदरवाइज़ ऑलिव ऑयल अगर आप पहले मिला देते हैं तो वो पूरा नींबू का रस चीज़ों के अंदर जा नहीं पाता है, वो कोटिंग कर लेता है पहले से ऑयल के ऊपर। तो बस ये नींबू हमने निचोड़ दिया इसके अंदर। अच्छा, ये सब डालने के बाद में, नींबू मिलाने के बाद में इसके अंदर मैं सी सॉल्ट डाल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, बहुत थोड़ा सा सी सॉल्ट डालते हैं। और ये देखिए मैंने सी सॉल्ट डाला, क्योंकि सॉल्ट तो बाद में अगर आपको कम ज़्यादा हो तो आप हमेशा उसको ठीक कर सकते हैं। उसके साथ में मैं ये मेरे पास चाट मसाला है वो थोड़ा सा चाट मसाला डाल देता हूँ, चाट मसाला भी अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। और एकदम हल्का सा इसके अंदर ये काला नमक ब्लैक सॉल्ट है उसको हम डालते हैं, इसका एकदम से टेस्ट चेंज कर देता है ये। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च फ्रेश एकदम ग्राइंड करके, ये हमने इसमें काली मिर्च डाल ली, और अब इन सबको मिक्स करके फिर हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा देखिए, इनको सबको हमने मिला लिया, ये सब कुछ मिल गया, और इसको अब हम 2-3 मिनट के लिए बस रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि सारे जो नींबू का जूसेस हैं और जो मसाले हमने डाले हैं इसके अंदर नमक वगैरह वो सब सेटल हो जाए, तब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल के इसको फाइनलाइज़ करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब इसके अंदर हम ऑलिव ऑयल डालते हैं, ऑलिव ऑयल जितना आप जाए डाल सकते हैं, लेकिन बस हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको शाइनिंग के लिए, और चूँकि ऑलिव ऑयल वैसे भी काफ़ी हेल्दी होता है खाने के लिए, तो उसको ऐसे हमने मिला लिया। और अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, बहुत हेल्दी सलाद तैयार हुआ है हमारा। तो ये देखिए, हमने इसको डिश आउट कर लिया और बहुत बढ़िया बन के आया ये सैलड, और फिर इसको आप भी खाया करिए, और बहुत ही हेल्दी सैलड होता है ये। तो फिर खाएं और खिलाएं सलाद स्वीट कॉर्न का, और खाने वाले झूम के कहेंगे ये है सलाद सुपर फार्म का। तो फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ बहुत जल्दी, और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे।